एक्टिवा 4G का कार्बोरेटर, इंटीरियर, इंजन वगैरह देख सकते हैं आप। एक्टिवा 4G, इस मफलर में थोड़ा चेंजेस किया है। ये देखो, मफलर के अंदर 60 mm का पहला कैटलिक कन्वर्टर था, वो अब 90 mm का हो गया है। BS4 में ये मेजर चेंजेस किया है। हाँ लो, बात हम देख रहे हैं। एक्टिवा 4G न्यू लॉन्च, एक्टिवा 4G। 4G मतलब ये है BS4, गवर्नमेंट का अप्रूवल होता है ना, भारत स्टेज 4। BS4 में एक्टिवा 4G, कैटलिक कन्वर्टर मफलर में बिठाया है, वो 60 mm का था, वो 90 mm किया है। इसके अंदर कैटलिक कन्वर्टर है, पेट्रोल में जो हानिकारक गैसेस होते हैं वो इसमें आने के बाद उसका वाटर में कन्वर्शन होता है और वो पानी मफलर तो बाहर गिर जाता है जब गाड़ी खड़ी होती है। तब कैटलिक कन्वर्टर 90 mm पे किया है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, ट्यूबलेस टायर। एक्टिवा 3G को भी ट्यूबलेस टायर आते थे, इसको भी ट्यूबलेस टायर आते हैं। मेटल बॉडी, मेटल की बॉडी, फ्रंट मड गार्ड, फेंडर मेटल का, साइड पैनल मेटल, बॉडी मेटल की, पूरी बॉडी मोटी मेटल की। यहाँ चोकिंग सिस्टम यहाँ है। एक्टिवा 4G को HO लाइट दिया है, ऑलवेज हेडलाइट ऑन। HO लाइट, ऑलवेज हेडलाइट ऑन। इसका दिन में भी लाइट, हेडलाइट ऑन रहे, ऑलवेज हेडलाइट ऑन। BS4 एक्टिवा होने की वजह से
काफ़ी स्मूथनेस आया है उसके फायरिंग में। गाड़ी की माइलेज भी बढ़ सकती है थोड़ी बहुत। कंपनी की माइलेज है 62 किलोमीटर पर लीटर, 55 के आसपास माइलेज मिलती है इसकी। एक्टिवा 4G 7 कलर में अवेलेबल है। एक्टिवा 3G ये है। एक्टिवा 3G जो BS3 है, 12 stage 3। इसमें क्या है, कैटलिक कन्वर्टर है ना इसमें, वो 60mm का है और कार्बोरेटर के अंदर TP स्विच है। TP स्विच मतलब क्या, थ्रोटल पोजीशनिंग सिस्टम, मतलब एक्सीलेटर जब आप खींचोगे तब TP स्विच ऑपरेट होके स्पार्क ज़्यादा देगा। वो सिस्टम हटा के BS4 को मैग्नेट में 2 मार्क किए है, जो गाड़ी जब रेस होगी ज़्यादा भागेगी तब वो मैग्नेट के 2 मार्क कनेक्शन देंगे और सिस्टम से स्पार्क ज़्यादा जाएगा। मतलब मैग्नेट ज़्यादा घूमेगा तो ज़्यादा स्पार्क जाएगा। एक्टिवा 3G में था, एक्सीलेटर ज़्यादा घुमाओगे तो स्पार्क ज़्यादा जाएगा, वो हटा के मैग्नेट ज़्यादा घूमेगा तो स्पार्क ज़्यादा जाएगा। एक्टिवा 4G में ये सिस्टम की है उसमें। एक्टिवा 3G को हेडलाइट ऑन ऑफ बटन है, ऑटोमेटिक हेडलाइट नहीं है, और जब बटन प्रेस करोगे तभी लाइट ऑन होगी। और BS3 है एक्टिवा 3G 12 stage 3। ये है एक्टिवा 3G। इसको भी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, जब पीछे का ब्रेक आप दबाओगे, जब मैं पीछे का ब्रेक दबा रहा हूँ तो आगे का भी ऑपरेट होगा। टिकट से ये है एक्टिवा 4G न्यू मॉडल, न्यू लॉन्च एक्टिवा 4G BS4 12 stage 4। इसके मोफलर के कैटलिक कन्वर्टर में 60mm पहला था और 90mm किया है कैटलिक कन्वर्टर। मेटल बॉडी, लेडीज फुट रेस्ट, साइड स्टैंड, सेंट्रल स्टैंड, बहुत अच्छी बाइक टूट रही है। मेटल बॉडी एक्टिवा 4G। AHO ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन, ऑलवेज हेडलाइट ऑन जो आप कह सकते हो, तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से किया हुआ है कंपनी ने।
और कार्बोरेटर में टीपी स्विच था, उसको हटाया है और मैग्नेट में चेंजेस किए हैं, सीडा यूनिट में चेंजेस किए हैं। बाइक की माइलेज बढ़ सकती है, पिकअप पावर बढ़ गया है, माइलेज थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, बहुत अच्छी स्कूटर है एक्टिवा फोर की। मैट ब्लैक कलर में भी आती है, वाइट कलर, ब्लैक, ब्लू। हेलो इंडिया, होंडा के एक्टिवा 4G स्कूटर कोई परचेज करना चाहता है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये स्कूटर इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्कूटर है, बहुत अच्छी स्कूटर है। कोई परचेज करना चाहता है तो आपके नज़दीकी होंडा शोरूम में विजिट करके अपनी एक्टिवा 4G बुक कीजिए। बहुत अच्छी स्कूटर है ये, मेटल बॉडी है, ट्यूबलेस टायर है, सेफ्टी पेट्रोल टैंक सभी।